हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं आईपीएल की लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में कि ये टीम कैसी रहने वाली है। तो यार, ये टीम पिछले साल इसने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, बट ये फाइनल में नहीं पहुंच पाई और नहीं जीत पाई, क्योंकि अब इसका कोई रीजन तो नहीं है, बट विन और लूज इज अ पार्ट ऑफ गेम। बट इन्होंने पिछले साल फर्स्ट टाइम आईपीएल खेला और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी। तो यार, राहुल फॉर्म में आना, राहुल के फॉर्म में आना बहुत जरूरी था लखनऊ के लिए, और पिछले ओडीआई में उनकी फॉर्म जो है आ गई है, ठीक है। अब आईपीएल आ रहा तो फॉर्म तो आएगी उनकी, ठीक है। कैप्टनसी जो है उनको है, उनके पास है, और फॉर्म भी आनी जरूरी है, तो इसलिए फॉर्म भी आ गई है। तो अब देखते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स कैसी रहने वाली है। तो इसकी कैप्टनसी जो है आपको पता ही है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसके कैप्टन रहने वाले हैं केएल राहुल। तो इसके बैट्स टोटल 25 प्लेयर होने वाले हैं इनके पास, और बैट्समैन है मनन वोरा और प्रीरक मैनकेड, जो कि अभी आईपीएल में इन्होंने एक ही मैच खेला है। और उसके बाद ऑलराउंडर जो है दीपक हुड्डा, करण शर्मा, करुणल पांड्या, काइली मेयर्स, जो कि वेस्टइंडीज के एन का भी चयन हुआ है, और मार्कस ट्रॉइनस, आयुष बडोनी, कृष्णप्पा गौतम, डैनियल सैम, स्वप्निल सिंह, और विकेट कीपर तीन रहने वाले हैं केएल राहुल, क्विंटन डी कॉक और निकोलस पूरन। और बॉलर रहने वाले हैं अवेश खान, मार्क वुड, रवि बिश्नोई, जयदेव उनादकट, यश ठाकुर, रोमी मारो, शफर्ड, अमित मिश्रा, नवीन उल्लक, युद्धवीर सिंह चाड़क, मोहसिन खान और मयंक यादव। तो यार, मेरे हिसाब से इन्होंने टीम काफी बढ़िया है, और ऑलराउंडर और बॉलर्स पे ज्यादा काम किया है इन्होंने। अगर आप देखो तो बैटिंग में इनके पास केएल राहुल और क्विंटन डीकॉक है, और उसके बाद निकोलस पूरन है, जो कि निकोलस पूरन की जो आईपीएल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही घोस्ट गई है। वो 10 में से कोई एक या दो मैच में, इक्का दुक्का मैच में चलते हैं, बाकी मैचेस में वो फ्लॉप होते हैं, तो उनका बैकग्राउंड रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जेसन होल्डर इनकी टीम में थे, बट वो अब नहीं खेलेंगे और उनको किसी और टीम ने खरीद लिया है। अब इनके पास नहीं रहे जेसन होल्डर, और भी एक दो प्लेयर थे, तो अब इनके पास बेंच स्ट्रेंथ देखते हैं, पॉजिटिवनेस जो है, प्लस पॉइंट इनका क्या रहता है और नेगेटिव पॉइंट इनका क्या रहता है। प्लस पॉइंट इनका ये है कि इनकी जो स्टार्ट कॉम्बिनेशन है ओपनिंग का, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है केएल राहुल और क्विंटन डीकॉक का। अगर ये दो जिस दिन फॉर्म में हुए तो उस दिन ये 10 ओवर में 100 भी बना देंगे, और 10 ओवर में 120 बनाने का भी दम रखते हैं। तो ये इनकी ओपनिंग पेयर की बेस्ट ओपनिंग पेयर है। राहुल केएल राहुल भी अच्छी ओपनिंग करते हैं, और क्विंटन डीकॉक भी, और लेफ्ट एंड राइट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो यार सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो ओपनिंग इनकी बढ़िया है, और उसके बाद ऑलराउंडर की बात करते हैं। ऑलराउंडर इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। इनकेस आप 5 बॉलर खिला रहे हो, ठीक है, तो किसी की पिटाई हो जाती है तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। इनके पास ऑलराउंडर में भी काफी बैकअप है। इनके पास दीपक हुड्डा है, इनके पास मार्कस ट्रॉइनस है, बहुत सारे मतलब प्लेयर हैं, डेनियल सैम्स है, कृष्णप्पा गौतम है, काइली मेयर्स है, करुणल पांड्या है, तो बहुत सारे बैकअप है ऑलराउंडर में, और बॉलिंग का भी बहुत सारा बैकअप है। इनकेस अगर विकेट कीपर को इंजर्ड हो जाए केएल राहुल की जगह, तो क्विंटन डीकॉक भी है और निकोलस पूरन भी है। तो अब देखते हैं कि इनकी आइडियल 11 जो है क्या होने वाली है, बट उससे पहले इनके नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूं। इनके नेगेटिव पॉइंट्स कुछ ज्यादा ही लिस्ट में, अभी सोच रहा था, फिर सोचते सोचते इतनी पॉइंट के नेगेटिव लिस्ट बहुत लंबी है। नंबर वन, जो कि किसी को भी पता चल जाएगा कि दूसरी टीम को, कि इनकी वीकनेस ये है कि इनके पास बैट्समैन जो है ना वो सिर्फ ऊपर लेवल के ही है, नीचे सारे ऑलराउंडर है, तो आप कोई बड़ी लंबी पारी की उम्मीद नहीं रख सकते। चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले। ओपनर में केएल राहुल है, उसके बाद क्विंटन डीकॉक है,
उसके बाद दीपक हुड्डा ठीक है, अच्छे बैट्समैन है, लेकिन आप उनसे मतलब उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, तो सो मतलब मैं उन्हें उस लेवल का प्लेयर नहीं मानता जितना केएल राहुल और क्विंटन डी का हो गया। निकोलस पुरन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, मार्कस स्टोइनिस का भी सेम है, वो चले तो चले नहीं चले तो नहीं चले, और करुणल पांड्याल का भी सेम है, जैसे प्रॉपर बैट्समैन नहीं है इनके पास केएल राहुल और उसको छोड़ के क्विंटन डी को छोड़ के मनन वोरा को ये खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि जगह नहीं बैठ रही। तो और उसके बाद इनके पास बॉलर जो है ना वो बॉलर ओवरसीज बॉलर कोई बढ़िया नहीं है, एक डैनियल सैमसन और मार्क वुड को छोड़ के, और नवीन उलहक को भी इन्होंने लिया, बट ये कितने ओवरसीज खिलाएंगे, क्योंकि इनको दो प्लेयर ओवरसीज खिलाने खिलाने, एक क्विंटन डीकॉक को ये खिलाएंगे ही खिलाएंगे और मार्कस स्टोइनिस को ये खिलाएंगे ही खिलाएंगे। तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही किस प्लेयर को बाहर निकालेंगे, निकोलस पुरन को बाहर निकालेंगे, अगर निकोलस पुरन को बाहर निकालेंगे तो इनकी जो मिडिल ऑर्डर है वो नीचे मतलब ऊपर कापड़ हो जाएगा। बेशक निकोलस पुरन अच्छी परफॉर्मेंस मतलब आईपीएल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बट आप चाहोगे कि निकोलस पुरन को खिलाना, तो इनकी ये एक और नेगेटिव ड्रॉबैक है। और नेगेटिव ड्रॉबैक इनका एक और है कि इन केस राहुल और क्विंटन डीकॉक में कोई इंजर्ड हो गया तो ये बैकअप एज ए ओपनर किसको लेके जाएंगे, तो ये भी एक नेगेटिव ड्रॉबैक है। और इन्होंने ऑलराउंडर पे ज्यादा काम किया जो कि प्लस पॉइंट इनका ज्यादा है, बट आप ये देखिए कि इन्होंने बैट्समैन बहुत ही कम रखे हैं, अगर इनके एक या दो बैट्समैन इंजर्ड हो गए तो ये तो गई लखनऊ। तो मुझे लग रहा है कि ये टीम सही नहीं लग रही मुझे, बट इनकी आइडियल 11 प्रेडिक्शन क्या होने वाली है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें राहुल खेलेंगे ओपनिंग, ये तो 100% कंफर्म है, और क्विंटन डीकॉक वन डाउन पे तीसरे नंबर पे आएंगे अगर निकोलस पुरन, और चौथे नंबर पे आएंगे दीपक हुड्डा, पांचवें नंबर पे आएंगे मार्कस स्टोइनिस, छठे नंबर पे आएंगे करुणल पांड्या, और सातवें नंबर पे आएंगे रवि बिश्नोई, और आठवें नंबर पे आएंगे अवेश खान, नौवें नंबर पे आएंगे मोहसिन, और दसवें नंबर पे मार्क वुड, और ग्यारहवें नंबर पे जयदेव उनादकट। तो ये प्रेडिक्शन रहने वाली है मेरी, आइडियल इलेवन ये रहेगी स्टार्टिंग के मैचेस में। तो ये मैंने टीम इसीलिए चूज की है कि देखो इसमें चार ओवरसीज प्लेयर भी आते हैं, क्विंटन डीकॉक ओपन करेंगे ये तो 100% कंफर्म है, उसके बाद तीसरे नंबर पे निकोलस पुरन ये जरूर रखेंगे इन केस स्टार्टिंग के ये दो आउट हो गए ओपनर्स, तो बैकअप के लिए कोई प्लेयर चाहिए जो कि एक्सपीरियंस है उनके, वो T20 का काफी एक्सपीरियंस है, बेशक आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी खराब रही है, इसलिए निकोलस पुरन को वो खिलाएंगे। और उसके बाद दीपक हुड्डा मार्कस स्टोइनिस को इसलिए रखेंगे क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में गियर खींचेंगे, एक्सेलरेट करेंगे और बॉलिंग भी करवाते, किसी दिन खराब हुआ किसी बॉलर का तो उनसे अवर उसका कोटा वो निकलवाएंगे और बॉलिंग भी वो अच्छी करवाते हैं। तो उसके बाद ओवरसीज बॉलर मार्क वुड, उनकी पेस जो है काफी 145-150 रहती है, तो इसलिए मार्क वुड को भी वो खिलाएंगे। नवीन उलहक और उसके बाद डैनियल सैप्स का मुझे नहीं लग रहा कि वो उनकी जगह बनती है आने वाले, और कैली मेयर्स की आने वाले मैचेस में मैं बोल नहीं सकता, बट अभी के मैचेस में मुझे नहीं लगता उनकी जगह बनती है। और इस टीम में चार ओवरसीज प्लेयर हो गए, बट ये है कि तीन विकेट कीपर खेलेंगे अगर ये टीम बनी तो, राहुल क्विंटन डीकॉक और निकोलस पुरन, तीनों विकेट कीपर, बट विकेट कीपरिंग डीकॉक ही करेंगे। और उसके बाद इनके पास बॉलर बड़े ज्यादा हो जाएंगे ऑलराउंडर, मार्क वुड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनके पास 7 ऑप्शंस हो जाएंगे बॉलिंग के, तो इन केस अगर किसी की पिटाई भी होती है तो ये उससे अपना कोटा पूरा कर सकते हैं ऑलराउंडर से। और साथ में पिछले मैच में आपको पिछले आईपीएल में आपको पता भी है इन्होंने कोई भी ऐसा बॉलर नहीं हो जिसके मतलब पांच बॉलर को चार ओवर नहीं दिए थे, मतलब तीन बॉलर्स को चार चार ओवर का कोटा कराते थे, बाकी किसी से दो, किसी से एक, किसी से दो, किसी से करुण पांडे को कभी चार ओवर करवा दी, कभी एक ओवर भी नहीं करवाया, तो मतलब अनप्रेडिक्टेबल ये टीम रही है। तो अब देखते हैं कि ये जीतती है कि नहीं, बट मेरी प्रेडिक्शन ये रहने वाली है कि यार इसकी टीम के ना नेगेटिव काफी ज्यादा ड्रॉबैक है और बैकअप भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता, आई एम सॉरी लखनऊ फैंस, मुझे नहीं लगता ये टीम प्लेऑफ पे पहुंचेगी और आईपीएल जीतेगी। पिछले साल जीती थी, पिछले साल जेसन होल्डर भी थे, पिछले साल काफी ज्यादा प्लेयर थे,
मुझे नहीं लगता कि ये आईपीएल जीतेगी, तो आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स पर लिख के जरूर बताना कि ये आईपीएल जीतेगी या नहीं जीतेगी, और मेरी प्रेडिक्शन सही है, मैच कर रही है आपके साथ या नहीं कर रही, आप अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताइएगा, तो देखते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन सही होती है या मेरी या जनता की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं लेता हूं इजाजत। तो आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में ये भी लिख के बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं, कौन सी आईपीएल टीम पे का रिव्यू करूं। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।